संभल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झंडा दिखाने के आरोप में सपा नेता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मुरादाबाद दौरा है और सीएम के आने की जानकारी के बाद विभिन्न मांगों को लेकर संभल से सपा नेता अपने कार्यकर्ताओं के साथ सीएम को काले झंडे दिखाने निकले थे, जिसकी सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और आनन फानन में मौके पर पहुंची पुलिस ने सपा नेता फिरोज खान और उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि अपने विवादित बयानों और नौटंकी के मामलों में सपा नेता फिरोज खान अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। देखिए, प्रदेश की देश की हालत बहुत खराब है, आप जानते हैं। अब मानिए मुख्यमंत्री जी मुरादाबाद आ रहे हैं, तो मुझे पता चला अभी अरेस्टिंग कर ली हमारी संभल पुलिस ने, तो मैंने ये सवाल किया कि आ रहे हैं तो क्यों आ रहे हैं, बोले शॉर्ट कार्यक्रम है, लोगों से मिलेंगे नहीं, तो क्यों पेट्रोल फूंक रहे हैं, जनता की गाड़ी कमाई क्यों हेलीकॉप्टरों में जा रहे हैं, नहीं आते और मिलना था तो हमारी समस्याओं को सुने, जो हमारे हुए में काम है उस पर क्यों तख्ती लगा रहे हैं। गैरौला से संबंध तक मार्ग टूटा हुआ है, लोग शादी ब्याह रिश्ते नहीं कर पा रहे हैं, आत्महत्या किसान कर रहा है, गायें फिर रही हैं खुलेआम, अब सर्दी आ गई उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है गौ आश्रय में, तो कैसी सरकार है। मैं उनसे पूछने जाना चाहता था, यदि पुलिस ने हमें जाने से रोक दिया तो हमें गिरफ्तारी कर ली हमारी, और इस वक्त हम लोग सारे लोग पुलिस चौकी में।